औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू जी डॉट ए लर्निंग अकेडमी में मैं आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएस ऑफिस एमसीक्यू पार्ट 2। ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की है जो कि 50 प्लस एमसीक्यू हैं एमएस वर्ड के, वो भी नहायत अहम ही एमसीक्यू हैं। और जो भी मेरे दोस्त मेरे भाइयों ने इन एग्ज़ाम में अप्लाई किया हुआ है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एनटीएस, पीटीएस, नेस, पाक आर्मी और पाक नेवी के किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई किया हुआ है, तो ये इन एग्ज़ाम के कंप्यूटर पार्ट के लिए बहुत ही अहम और नहायत अहम क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। ऑप्शन ए है माइक्रो, ऑप्शन बी है टेम्पलेट, ऑप्शन सी है मेल मर्ज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ अबव। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्टली लाइक बी यूज टू डू टू डू। ऑप्शन ए है कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड, ऑप्शन बी है डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, ऑप्शन सी है मेंटेन एन इन्वेंट्री, ऑप्शन जो डी है हमारा वो है टाइप बायोग्राफी। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, व्हाट इज़ अ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी, अ मार्जिन डेट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो यही हमारा राइट आंसर है। जब हम ये जो गटर मार्जिन उसको कहते हैं, जब हम प्रिंट करते हैं तो बाइंडिंग साइड पे एक लाइन सी लगी होती है मार्जिन पेज का छोटा, उसको गटर मार्जिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, विच कैन यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड एंड टूल्स। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी है मेन्यू बार, ऑप्शन डी है टाइटल बार। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी टूल बार। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म एन ईमेल मर्ज ऑपरेशन। ऑप्शन ए है हमारा मेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी डाटा सोर्स, ऑप्शन सी है मर्ज फील्ड, ऑप्शन डी है वर्ड फील्ड। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी वर्ड फील्ड। वर्ड फील्ड जो है वो मेल मर्ज के लिए इस्तेमाल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, व्हेन द लैंग्वेज बार इज डैश इट मीन डैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्ले द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। ऑप्शन ए हमारा रिस्टोर, ऑप्शन बी है हिडन, ऑप्शन सी मिनिमाइज्ड, ऑप्शन डी है क्लोज। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हिडन। हिडन हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस। ऑटो करेक्ट किसके लिए डिजाइन किया गया है? डैश वर्ड एज यू टाइप। ऑप्शन ए शॉर्ट रिपीटेड, ऑप्शन बी है ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट, ऑप्शन सी मिसस्पेल्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। द राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी मिसस्पेल्ड की जगह पे रिप्लेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, होम की यूज्ड फॉर, सॉरी क्वेश्चन नंबर एट, होम की यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए है मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, ऑप्शन सी है मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन, ऑप्शन डी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा, पेज अप की यूज फॉर अ माउस डेट कर्सर ऑन वन लाइन मूव द कर्सर ऑन वन स्क्रीन, ऑप्शन सी मूव द कर्सर वन पेज अप, ऑप्शन डी है मूव द कर्सर ऑन पैराग्राफ अप। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए हमारा वर्ड परफेक्ट है, ऑप्शन बी है वर्ड पैड है, ऑप्शन सी है एमएस वर्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर की सारी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की फाइल किससे स्टार्ट होती है? ऑप्शन है विन वॉरेक्स, ऑप्शन बी वॉरेक्स, ऑप्शन सी है एमएस वॉरेक्स, ऑप्शन डी है वर्ड 2003.exe। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए विन वॉरेक्स हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एग्जिट फ्रॉम द रिज्यूम विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम क्लिक द डैश बटन इन एनी पैनल इन द रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन ए क्या है? कैंसिल, ऑप्शन बी है बैक, ऑप्शन सी नेक्स्ट, ऑप्शन डी फिनिश्ड। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर इंसर्ट एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। ऑप्शन ए है प्लेस होल्डर, ऑप्शन बी है बुक मार्क्स, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी है वर्ड फील्ड। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी वर्ड फील्ड इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन ए है नेक्स्ट पेज, ऑप्शन बी प्रीवियस पेज, ऑप्शन सी है ऑड पेज, ऑप्शन डी इवन पेज। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रीवियस पेज जो कि है वो राइट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। को सही नहायत ही अहम क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इनमें से कौन सा वैलिड वर्जन एमएस ऑफिस का नहीं रहा? तो वो है राइट आंसर ऑप्शन बी ऑफिस विस्टा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज हेडर और फुटर इज प्रिंटिंग। तो ऑप्शन ए है ऑन फर्स्ट पेज, ऑप्शन बी है ऑन अल्टरनेटेड पेज, ऑप्शन सी है ऑन एवरी पेज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ऑन एवरी पेज, हेडर एंड फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट ऑटोमेटिकली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार और एमएस वर्ड। ऑप्शन ए है ऑन द लेफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ऑप्शन बी है ऑन द राइट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ऑप्शन सी है ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंट्रोल प्लस एम ये शॉर्टकट की है जो कि नहायत अहम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? लेफ्ट इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज। ये भी अहम क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और इसका भी अच्छे से दोस्तों याद कीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, बाय डिफ़ॉल्ट इन वर्ड अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लेफ्ट अलाइंड और फ्लश मार्जिन एट द लेफ्ट एज एंड अनइवन एजेस एट द राइट एजेस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ यू विल बी डिस्प्ले, अगर आप आर प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट और डिस्प्ले करते हैं ऑन अनदर कंप्यूटर, यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब। तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एम्बेडेड ट्रू टाइप फॉन्ट के जरिए हम उसको सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो ऑप्शन ए क्या है? पेज, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी सेक्शन, ऑप्शन डी पेज सेटअप। तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ यू नीड टू डबल अंडरलाइन, अगर आप वर्ड के लिए डबल अंडरलाइन लेना चाहते हैं, हाउ विल यू डू डैट। तो आप किस तरह लेंगे इसको? ऑप्शन ए है गो टू फॉर्मेट मेन्यू एंड देन फॉन्ट ऑप्शन, ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज डबल अंडरलाइन। ऑप्शन बी है फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू चूज फॉन्ट ऑप्शन एंड देन फ्रॉम फॉन्ट टैब ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड सेलेक्ट डबल अंडरलाइन। ऑप्शन सी है सेलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज फॉर्मेट देन फॉन्ट एंड ऑन द फॉन्ट टैब ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज डबल अंडरलाइन। ऑप्शन डी जो है हमारा वो है क्लिक डबल अंडरलाइन टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सेलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज फॉर्मेट फॉन्ट एंड फॉन्ट टैब ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज द अंडरलाइन डबल अंडरलाइन। तो यही हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिक यू डिड टू डू एन अदर टैक्स। आपने एक टैक्स के लिए एक फॉर्मेट अप्लाई किया है, तो आप चाहते हैं कि यही फॉर्मेट में किसी दूसरे टैक्स पर भी अप्लाई करें, तो इसका तरीका क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेलेक्ट द टैक्स देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टैक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेल मर्ज हेल्पर्स। में से कौन सा ऑप्शन है जो कि थ्री मेल मर्ज हेल्पर स्टेप के तौर पर नहीं यूज हो जाती? ऑप्शन ए है हमारा मर्ज द टू फाइल्स, ऑप्शन सी क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स, ऑप्शन डी है क्रिएट द डाटा सोर्स। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टैक्स, एक ब्लॉक के टैक्स को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द सिलेक्शन, स्क्रॉल टू द एंड ऑफ द सिलेक्शन, पोजिशनिंग द माउस पॉइंटर एट द एंड ऑफ द सिलेक्शन, होल्ड डाउन द डैश की एंड देन क्लिक इन टू आर ड्रैग थ्रू द टैक्स। ऑप्शन ए क्या है? कंट्रोल, ऑप्शन बी ऑल्ट, ऑप्शन सी शिफ्ट, ऑप्शन डी है टैब। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी के जरिए से हम ये सारा काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। मैनुअल लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी है स्पेस प्लस इंटर। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस इंटर हमारा राइट आंसर है मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एम एस वर्ड। इनमें से न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये तो सबको पता है, आसान क्वेश्चन है और अहम भी है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इंटर की। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड। इनमें से शॉर्टकट की कौन सी है फील्ड कोड को डिस्प्ले करने के लिए? भी अहम क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑल्ट प्लस एफ नाइन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 29 है, टू यूज़ योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सेलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन, यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द डैश की। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑल्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, प्रेस डैश टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक विच एडवांटेज टू इंसर्ट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल लाइन, इग्नोरिंग एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन ए क्या है? शिफ्ट प्लस इंटर है, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इंटर है, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब है, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस टैब। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस इंटर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ वर्ड फील्ड मे कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड इज डैश, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सब डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है सिंबल, ऑप्शन सी है सिग्नल, ऑप्शन डी है स्विच। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्विच, वो स्विच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, असेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट इंक्लूड द, जो असेंशियल बिजनेस लेटर और एलिमेंट होते हैं वो उसमें क्या होता है जी? ऑप्शन ए है डेटा लाइन एंड इनसाइड और एड्रेस, ऑप्शन बी मैसेजेस, ऑप्शन सी है सिग्नेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो ये क्या होते हैं? ये ऑल ऑफ अबव साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि बहुत ही अहम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस स्पेल एरर इन डॉक्यूमेंट। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ऑप्शन ए है ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऑटो करेक्ट हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डैश अ डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग मर्ज, परफॉर्मिंग मर्ज से पहले। ऑप्शन ए है क्रिएट, ऑप्शन बी है मॉडिफाई, ऑप्शन सी है सॉर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ड हैज वेब ऑथरिंग टूल्स अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट डैश ऑन वेब पेजेस। हमारा ऑप्शन ए क्या है? बुलेट्स, ऑप्शन सी है हाइपरलिंक, ऑप्शन सी है साउंड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 36 है नेक्स्ट हमारा, व्हेन टाइपिंग इज प्रीटी फाउंड, अगर आप टाइपिंग प्रीटी फाउंड में कर रहे हैं, ऑल द योकर्स टर्न टू समथिंग एल्स, व्हाट द कॉज। ऑप्शन ए क्या है? ऑटो टैक्स होगा,
ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी स्पेलर होगा, ऑप्शन डी होगा पेटीफोन डज नॉट वर्क विद द वर्ड। राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू अदर। दूसरों को डॉक्यूमेंट देने के लिए आप इनमें से कौन सी कमांड हमेशा यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं? ऑप्शन ए है फाइंड, फाइंड कमांड, ऑप्शन बी रिप्लेस, ऑप्शन सी है स्पेल एंड ग्रामर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सी स्पेल एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज प्लेस द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी व्यू बटन। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंसर्ट डाटा फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन ऑन द डैश टूल बार। ऑप्शन ए क्या है? फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी हेडर एंड फुटर, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड है, ऑप्शन डी एडिट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हेडर एंड फुटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। ये भी अहम क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन डी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन 41 है, इन ऑर्डर टू मेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन एमएस वर्ड। ये भी अहम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए क्या है? ऑफिस बटन, सेंड टू मेल रिसिपिट, ऑप्शन डी है सेव द फाइल एज एन ईमेल अटैचमेंट, ऑप्शन डी स्टार्ट आउटलुक एंड अटैच द फाइल व्हाइल ओपन इन वर्ड, ऑप्शन डी दिस इज द इम्पॉसिबल ऑपरेशन। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऑफिस बटन, सेंड टू द मेल रिसिपिट। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एम एस वर्ड डैट इज यूजली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार डैट इज प्रोवाइडेड कैटेगरी ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है हमारा मेन्यू बार, ऑप्शन डी टूल बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मेन्यू बार। क्वेश्चन 43 है, इन वर्ड 2007 जूम इज प्लेस। ये भी अहम क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, एंड ए एंड सी बोथ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द डैश इज द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी एंड मार्क। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्मॉल स्क्वेयर कार्ड ऑन द सिलेक्शन रेक्टेंगुलर डैट राउंड ग्राफिक कैन बी यूज टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द ग्राफ। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी, वो क्या कहते हैं? साइजिंग हैंडल्स, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेस इन एमएस ऑफिस। दोस्तों ये अहम क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। मैक्सिमम जूम, मिनिमम और मैक्सिमम जूम क्या है एमएस ऑफिस में? तो राइट आंसर क्या है? 10 to 500। क्वेश्चन नंबर 47 है, यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी के जरिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, टू अपडेट अ फार्मूला इन टेबल प्रेस द। ऑप्शन ए है F7 F9 की, ऑप्शन बी है Alt+ F9 की, ऑप्शन सी है Shift+ F9 की, ऑप्शन डी है F8 की। तो राइट आंसर क्या है? F9 की प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, टू मूव द कर्सर पेज टू द ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। द वर्ड रैप फीचर, ऑप्शन ए है क्या है? जी ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ऑप्शन बी है अपीयर एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी है अलाउ यू टू टाइप ओवर टेक्स्ट। ऑप्शन डी है इज द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द एज ऑफ द डॉक्यूमेंट। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी वीडियो थी, इसके बाद भी सीरीज़ की एक और वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं जो कि नहायत ही अहम 50 MCQ होंगे MS वर्ड के। अगर आप इन तीनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं और इनके MCQ अच्छी तरह याद कर लेते हैं